थेरेपी पे हम लोग करीब पाँच साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस दौरान बहुत सारे लोग आके और इस पे, इस इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हुए हैं तीन सौ के करीब आसपास लोग आए होंगे ज़्यादातर इंडियन ही थे लेकिन कुछ लोग दूसरे कंट्रीज से भी आए हैं जैसे ग्रीस से स्पेन से जर्मनी से यू और कैनाडा वगैरह से भी आए हैं नीदरलैंड से आए हैं और हमारी ग्रॉस फाइंडिंग ये है कि अगर हम फ़ॉरेस्ट या नेचर के साथ कम्युनिटी लिविंग और ऑटोफेजी को भी मिक्स कर दें तो इन तीनों चीज़ों को मिलाने से करीब करीब सारे लाइफ स्टाइल डिजीज़ को रिवर्स किया जा सकता है ठीक किया जा सकता है और इसके अलावा जो हमारी एजिंग प्रोसेस है उसको भी हम अगर रिवर्स नहीं तो स्लो तो कर ही सकते हैं और पिछले काफ़ी समय से हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहे हैं जैसे जैसे टुकड़ों में जैसे जैसे हमारी समझ बनती रही हम वैसे वैसे, वैसे वीडियोस अपलोड करते रहे हैं लेकिन अब हमें लगता है कि हम एक ख़ास मुकाम पर पहुंच गए हैं और एक कम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं तो उसी कम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम ये एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं फॉरेस्ट थेरेपी मेड्यूल के नाम से तो हमने करीब दस थेरापूटिक मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं अलग अलग कंडीशंस को देखने के लिए तो हर हफ्ते लगभग फ्राइडे या सैटरडे को हम आपको एक मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो हमारा पहला मॉड्यूल रहेगा वो डायबिटीज़ थायरॉइडिज़म और ओबेसिटी पे लेके रहेगा इसके बारे में हम पहले भी कई वीडियोस करते रहे हैं लेकिन ये वीडियोस उनको और जो हमारे नए अपडेट्स हैं उनको मिला के थोड़ा और कम्प्रहेंसिव होगा दूसरा जो मॉड्यूल है वो कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ पे होगा और ये मेनली हाई ब्लड प्रेशर और जो हमारे कॉररी ब्लॉकेट्स होते हैं या हार्ट अटैक जैसी चीज़ें होती हैं उन पर फोकस करेगा तीसरा मॉड्यूल ऑटो इम्यून डिजीज़ और इमोशनल हेल्थ पर है इस पर अभी हमने कुछ खास नहीं किया था ये ऑलमोस्ट पूरा नया मॉड्यूल होगा आजकल काफ़ी लोगों में बढ़ रही हैं ये चीज़ें चौथा मॉड्यूल पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओ ओबेरी सिंड्रोम या डिजीज़ और लेडीज़ की जो दूसरी हार्मोनल या रिप्रोडक्टिव इशूज़ हैं उनको लेके रहेगा इस पर भी हमने कभी कोई पहले वीडियो नहीं किया ये भी पूरा नया होगा बल्कि इसके आगे के ज़्यादातर मॉड्यूल्स एकदम नए ही होंगे Uh, पाँचवा मॉड्यूल टीनेज हेल्थ को लेके है जो बच्चे हैं टीनेज उम्र के और उनसे छोटे भी अगर हैं उनको भी थोड़ा हम शामिल करेंगे तो आजकल का जो हमारा लिविंग सिस्टम है स्कूलिंग है उसको लेके जो एक नेचुरल लाइफ स्टाइल होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डेविएसन है और उसकी वजह से कई मेंटल इशूज़ और फिज़िकल इशूज़ यहाँ तक कि टीनेज ओबेसिटी भी हो रही है तो इनको लेके हमारा एक मॉड्यूल रहेगा फिर जो छठवा मॉड्यूल होगा वो विटामिन डी और बी ट्वेल्व को बढ़ाने के लिए होगा आ ये नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं बहुत सारे लोग टेस्ट करा रहे हैं और ये पता चल रहा है कि करीब 80 परसेंट तक लोगों में विटामिन डी की डिफिशेंसी है और विटामिन बी ट्वेल्ब की भी तो ये क्या है इसको हम समझेंगे और नेचुरली इसको कैसे बूस्टअप करें इसके बारे में बात करेंगे सातवां हमारा मॉड्यूल डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन डी एडिक्शन को लेके है अब यह भी बहुत बड़ा मसला है आ, आजकल बहुत बढ़ रहा है और सिर्फ यंगस्टर्स में नहीं आ, जो अधेड़ उम्र के हैं इवन हाउस में ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आ, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो वीडियोस देख रहे हैं इनमें काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की हो सकती है जिनको हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है मतलब लेना देना हो सकता है सिर्फ अपने दिमाग में मन में कुछ एक्टिवली करने की उनमें कोई वो तत्परता नहीं है खाली क्योंकि स्क्रीन का एडिक्शन लगा हुआ है इसलिए वो वीडियोस देखते हैं और सेहतमंद वीडियोस देखने से आपको थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस भी नहीं होता कि चलो हम कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ देख रहे हैं तो ये भी एक इशू है इस पर हम एक मोड्यूल है हमारा और फिर एक जो आठवां मॉड्यूल है वो मल्टीपल इशूज़ को लेके है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में जो क्रॉस इशूज़ हो जाते हैं उनकी हम बात करेंगे और जो हमारा नवा मॉड्यूल है वो मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल स्टेमिना बिल्डिंग को एक है ये एक बड़ा सीरियस अटैम्प्ट हम लोग करना चाहते हैं कि हम मेंटल स्टेमिना और फिज़िकल स्ट्रेंथ को कैसे इन्हांस करें कैसे एक सॉलिड हेल्थ की तरफ लेके चला जाए और अल्टीमेटली जो दसवां हमारा मोड्यूल है जिसकी तरफ हमारा एक अल्टीमेट गोल है एक्चुअली वो हमारा लॉन्गबिटी और हैप्पीनेस को लेके है कि हम कैसे खुश हों और अगर हम खुश हैं तो नेचुरली हम लंबा जीना चाहेंगे तो फिर वो हम अपना जो एजिंग की रफ्तार है उसको कैसे स्लो करें तो ये जो कन्वर्जेशन है इसको हम लोग इसकी जो इंटेंसिटी है उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक रखना चाहते हैं क्योंकि अभी हमारे पास डेटा काफ़ी हो गया है और उसके हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी मेच्योर हुई है तो हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो सीरीज़ से हमारा दोनों काम हो जाए कि जो जो आम लोग हैं जो कि मेडिकल फील्ड से नहीं हैं या जिनको बायोलॉजिकल साइंसेस का ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है उनको भी समझ में आ जाए और जो मेडिकल फील्ड से हैं हेल्थ से कनेक्टेड हैं उनको ज़रा इन डेप्थ नॉलेज भी मिल जाए तो इन पूरे मॉड्यूल्स के दौरान हम हम लोग कुछ चार्ट्स या कुछ बुकलेट्स भी यूज़ करेंगे वो चार्ट्स और बुकलेट्स एक्चुअल में ज़्यादा रिलेवेंट होंगी उन लोगों के लिए जो ज़्यादा गहराई से समझना चाहते हैं इसलिए हम उनको ज़्यादा डिटेल में इस इस डिस्कशन में नहीं लाना चाहते तो ऐसे चार्ट्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध रहेंगे आ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ एक लोगों को हम व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं तो आज भी मैं आ, दो दो बेसिक चार्ट्स डिस्कस करना चाहता हूँ हालांकि ये बहुत बेसिक हैं और आम लोग भी इसको समझ सकते हैं तो ये जो पहला चार्ट है वो हमारा हेल्थ और डिजीजिंग प्रोसेसेस को लेके हैं कि एक्चुअल में हेल्थ प्रोसेस क्या होती है और डिजीज़िंग प्रोसेस क्या होती है और आप कैसे समझें कि आप हेल्थ की साइकिल में हैं या डिजीज़ की साइकिल में हैं तो जैसे जैसे आप इसको जिस साइकिल में होंगे उस तरीके से आपका प्रोग्रेशन होगा जैसे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या इंसफिसंसी है या इम्बेलेंस है या yeah, टॉक्सिसिटी है तो नेचुरली आप एक डेथ की सॉरी एक डिजीज़ की साइकिल में हैं तो डिजीज़ तो होगा डिजीज़ के साथ ही साथ आपका एजिंग प्रोसेस भी एक्सेलरेट करता है और आप डेथ की तरफ जाते हैं इसके अपोज़िट अगर आपकी इम्यूनिटी सही है सफिसियंसीज़ हैं आप में आपकी बॉडी बैलेंस्ड है और आप टाइम टू टाइम क्लीनजिंग कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ तो ठीक रहती है हेल्थ के अलावा आपकी बॉडी का रिजुनेवेशन भी चलता रहता है बॉडी लगातार नई बनी रहती है और आप एक बहुत बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं एक जो दूसरा चार्ट मैं आ, आपको दिखाना चाहता हूँ वो कुछ हेल्थ और लाइफ फैक्टर्स को लेके है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको मैं इवोल्यूशनरी हेल्थ फैक्टर्स कह रहा हूँ वो इसलिए कि जैसे जैसे हम विकसित हुए जैसे हमारी बायोलॉजी डेवलप हुई जैसे हमारी बॉडी डेवलप हुई उसके हिसाब से हमारी नेचर के साथ कुछ ट्यूनिंग है क्योंकि हमारा जो बायोलॉजी डेवलप हुई वो नेचर से अलहदा नहीं हुई नेचर के साथ में हुई है तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं और लेकिन हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल में उन फैक्टर्स से बहुत अलग चले गए हैं मैंने एरो दिखाया है ऑलमोस्ट वो अपोज़िट हैं तो वो फैक्टर्स इस चार्ट में दिखाए गए हैं वो आप समझ सकते हैं हालांकि इनकी मैं पहले भी बातचीत करता रहा हूं और जो लोग डिटेल में चाहेंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट वेब से एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूं कि आ, ये फॉरेस्ट थेरेपी मॉड्यूल्स हैं और ज़्यादातर लोगों की ख़्वाहिश ये है कि हमको एक होम मॉड्यूल मिले कि हम अपने घर में बैठ के कैसे ठीक हो जाएं वीडियो देख के तो हमने ये दो प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं एक प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं सेहत वन प्रोटोकॉल जो आपको सेहत वन में आके फॉलो करना है और एक दूसरा प्रोटोकॉल है जो कि होम प्रोटो प्रोटोकॉल है जो कि आप अपने घर में फॉलो कर सकते हैं लेकिन सभी को समझने की ज़रूरत ये है कि ये फंडामेंटली फॉरेस्ट थेरेपी है तो ये जो इसका बेसिक है वो तो फॉरेस्ट में ही होगा जो होम मॉड्यूल है वो सप्लीमेंट्री है तो ये एक बात समझने की है कि आपके पास फॉरेस्ट का एक्सेस है या नहीं है आप कुछ कर रहे हैं फॉरेस्ट बनाने के लिए फॉरेस्ट बचाने के लिए कि नहीं तो ये ये चीज़ ध्यान में देने की है क्योंकि सेंट्रल पार्ट यही है ये फॉरेस्ट थेरेपी मॉड्यूल है पहला वर्ड फॉरेस्ट है